नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। जितने माताएं बने हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना आप लोग ना भूलें। एक लाइक आप लोग का हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे देखते कि आप लोग जितने कमेंट करते हैं उतने कमेंट हम आप लोग का सारा पढ़ते भी है, बहुत काफ़ी मुझे अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट। तो दोस्तों आज चल रहे हैं जन्माष्टमी के फरार बनाने के लिए। दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि एक दीदी का कमेंट आया था कि वो जब भी साबूदाना की बनाती हैं तो साबूदाना उनका फरार व्रत में जैसे देखते कोई भी नाश्ता बनाती हैं तो उनका चिपक जाता है, कहती है एकदम जैसे हलवा हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पर साबूदाना को पहले अच्छे से भिगो दीजिए। साबूदाना एक भी हाथ में चिपकेगा नहीं, आप लोग देख सकते हैं मोती जैसे खिल गया है साबूदाना ये हमारा। तो आप लोग इसी तरह से साबूदाना पहले 3-4 घंटे पहले आप लोग थोड़ी सी जैसे छप छप पानी में 2 बार धोकर छप छप पानी में रख दे रहे हैं तो आप लोग का साबूदाना बिल्कुल नहीं आप लोग का चिपकेगा एक दूसरे में, अब बहुत अच्छा देखने में भी लगेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हमने लिए हैं मखनी, यहाँ पर मूँगफली लिए हैं। आप लोग व्रत में टमाटर खाते हो तो डालिए, नहीं तो टमाटर को मत डालिए। आप हमारे यहाँ पे खाया जाता है टमाटर तो हम इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पे धनिया पत्ती है, यहाँ पर जीरा है, यहाँ पे देख रहे हैं हरी मिर्ची है 3-4 पीस, यहाँ पे मूँगफली है, यहाँ पर आलू हमने उबले करके ले लिए हैं, यहाँ व्रत वाला सेना नमक है। अभी इसके बनाने के लिए घी हम नहीं लिए हैं, घी में या चाहे रिफाइंड तेल में आप बना सकते हैं। तो जैसे घी सबको नहीं पसंद रहता है तो इसलिए हम रिफाइंड तेल में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आग को जला रहे हैं और सभी माताएं बने उससे बार बार भोजपुरिया बोला जाए सभी लोग से बोल रहे हैं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। जन्माष्टमी की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे जन्माष्टमी कल है आज साधु लोग का है और दीदी कमेंट आ गया 10 बजे तो हमको बनाना पड़ रहा है रेसिपी, तो आप लोग को भी रेसिपी को हमने शेयर कर दे रहे हैं। तो आप लोग कोई दोस्तों रेसिपी बोलते हैं तो हम बना के ज़रूर तुरंत दिखाते हैं। एक दीदी का कमेंट आया है, दीदी हो चाहे भाभी हो उनका कमेंट आया है कि आप कद्दू के फूल के जैसे सब्जी बनाकर दिखाइए, तो हम ज़रूर बना देने की कोशिश करेंगे, जल्दी में बना के उनको रेसिपी वो दिखाएंगे। हम पढ़ते तो हमको बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, साक्षिक पापा जब रात में आते हैं डॉक्टरी पढ़ते तो हमको बहुत अच्छा लगता है, उनकी मोबाइल लेकर हम पढ़ते सारे कमेंट आप लोग का। बारिश भी आ गई बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं कि एकदम बादल लग गया है। जब भी वीडियो छत पर बनाइए तो यही डर रहता है कि बारिश आ जाएगी, छत पर से करिए पड़ने लगेगा जब भी। तो करकट दोस्तों कितने भी लगा रहता है तो कैसे बौछार मारता है सीधे करिए में आ जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी करकट है यहाँ पर। दोस्तों आलू को उबले कर हम लेकर आए हैं, आप लोग कमेंट में करते दीदी नीचे वीडियो सफा से नहीं दिखाई पड़ता है, तो नीचे जैसे रहता अंधेरा रहता है, आप लोग देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ उस पर गाज जाता है कि जाके उस पर कि जो वाइफर है उड़े मत। अब इसमें मूँगफली डाल दे रहे हैं, को देख रहे हैं सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आप लोग बगल में लाल घंटी है उसको जरूर दबाएं आप लोग, जाकि सबसे पहले रेसिपी आप लोग को हमारा मिले। आप लोग कोई भी रेसिपी के कमेंट करिए हम तुरंत आप लोग को बना के दिखाएंगे, नई कोशिश करेंगे तो क्या से दूसरे दिन जरूर आप लोग को वीडियो छूट जाएगा। मूँगफली को डालकर भुनेंगे क्योंकि मूँगफली थोड़ी देर तक भुनाता है, अब मखनी जैसे देखते हैं डालते हुए इसमें कुरकुर हो जाता है। तो मूँगफली को हल्के से हम पानी में पहले धो लिए थे क्योंकि इसमें मूँगफली में गर्दा रहता है, और इसको मखनी को हम धोएंगे तो मखनी हमारा जैसे देखते हैं उसमें गलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मखनी को हाथ में पानी भिगो को पहले आप पोंछ लीजिए अच्छे से क्योंकि व्रत के लिए है। फिर डाल देंगे मूँगफली, हल्का सा भुना गया देख रहे हैं चटक रहा है इसमें, एक बार करीब से आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं कि पूरे घर का काम करके आप दिखाइए, पहले तो जैसे साक्षिक पापा रहते नहीं मोबाइल छोड़कर भी नहीं जाते हैं अपना, कि बच्चों मोबाइल इधर उधर लेके भागने लगते हैं तो इसलिए वो छोड़ के भी नहीं जाते कि आप लोग को हम पूरा घर का सीन दिखाएं। तो दोस्तों दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे हम क्योंकि देहात में बहुत ज़्यादा काम रहता है घर में। अब इसको हल्के से भूनने के बाद से निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर हम डालेंगे जीरा, क्या है बोलिए तो चटक रहा था, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची जैसे। अब इसमें हम आलू को डाल दे रहे हैं, अब अच्छे से आलू को मिलाएंगे। धनिया और मरीच को हमने दरबरे पीस लिए हैं, जीरा
इसको भी डाल रहे हैं। इसको डालने के बाद से हम नमक डालेंगे। तो दोस्तों ये व्रत वाला नमक है, जैसे देखते हैं कोई व्रत में कलर डालते हैं, तो दोस्तों हम कलर नहीं डालते हैं यहाँ पर। व्रत में बिल्कुल कलर वलर नहीं डालना चाहिए, किस चीज़ से कलर बनता है पहले हम लोग को मालूम भी नहीं रहता है। आप लोग जानते ही हैं कि हल्दी जैसे अन्न होता है, हल्दी डाला नहीं जाता है। अब इसको हम डालने के बाद इसमें तुरंत हम डालेंगे क्या, साबूदाना को। तो कितना भर भरे है साबूदाना, ये आप इसको तुरंत ढक देंगे तो साबूदाना आपका जो है तुरंत चिपचिपा हो जाता है। टमाटर को अब इसमें देखिए 5 मिनट अच्छे से भून लिए हैं, तो इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ती। अब इसमें दोस्तों डालेंगे मखनी को और इसमें मूंगफली डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग बना सकते हैं व्रत में। कोई भी आपके घर जन्माष्टमी दिन आ गया है तो इस तरह से भर भरे खिली खिली देख रहा है साबूदाना, जैसे मोती नहीं चमक रहा है यहाँ पे। और दोस्तों हम धनिया बाकी इसमें बुक कर नहीं डालते, जीरा धनिया मरीच, तो ये हमारा बिल्कुल व्हाइट कलर का रहता है धनिया मरीच। आप लोग देखें स्वाद के लिए हम थोड़ा सा इसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा लोग देखते हैं नीरा जल रहते हैं पहले, तो दोस्तों पहले हम भी नीरा जल रहते थे, बाकी इस समय नहीं रहते हैं क्योंकि जब से तबीयत खराब हो गया तब से हम नहीं रहते नीरा जल। तो दोस्तों यहाँ पर देख रही है कि हम इस तरह से इसको कुछ सजा दे रहे हैं, इसमें मखनी या मूंगफली को डालकर ऊपर से सजा दे रहे हैं। दोस्तों काफ़ी टेस्टी हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। एक लाइक आप लोग का हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।